तो यहाँ पर जो है जो हमारा लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है वो ये कहेंगे, हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे जो है हार्ट का मतलब पहले जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग कि जनरली वो क्या करता है और जनरली वो कैसे कर सकता है। तो ये देखिए, पहले हम टाइप्स ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ हार्ट के बारे में समझेंगे। हार्ट इस सब जगह पे अलग अलग प्रकार के, मतलब हर एनिमल के अंदर अलग अलग प्रकार के, कहा जाए तो 4 प्रकार के हार्ट क्रिएट देखे गए हैं अभी तक। जैसे पहला है फिश, फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसे हम यहां साइड में लिखते जाएंगे, 2 चैम्बर्ड हार्ट। क्यों 2 चैम्बर वाला हार्ट? अच्छा मैं सारे पॉइंट एक साथ लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। चलिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर दिए, मैं एक एक करके इसको आपको समझाऊंगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट के उसको कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है और एक ऑरिकल दिखाई दे रहा है, बाकी चीजों का अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, हम अभी सिर्फ इतने के ही बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। एक वेंट्रिकल है, एक एट्रियम है, और बीच में यहाँ पे आपको छोटा सा एक वॉल्व दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर का जो बीच में दिख रहा है आपको, ये एक वॉल्व है जो उन दोनों के बीच में जब ब्लड जाता है तो उसको पीछे वापस आने से रोकेगा। ठीक है, बस इतना ही समझो, इसलिए इसको 2 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। अब इसको वेनस हार्ट क्यों कहते हैं, सेकंड पॉइंट क्यों? देखिए ये ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन समझिए पहले, इसका ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। हार्ट से ब्लड निकल के जा रहा है आर्टरीज के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा वो ब्लड जाएगा गिल्स में, गिल्स में वो ऑक्सीजन, गिल्स यानी ऑक्सीजन यानी लंग्स के जैसा काम करते हैं, जो मतलब डिफ्यूजन करके ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हमारी एल्वियोलाई के जैसे काम करते हैं। तो ये गिल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है अंदर आ जाएगी और कार्बन डाई यहां से बाहर चली जाएगी। एक बात याद रखिएगा, मछली माउथ से पानी अंदर लेती है और गिल्स में से ऐसे बाहर निकाल देती है, यहां से वो अपने पेट में पानी को जाने नहीं देती है, वो वहीं से जैसे हम लोग कुल्ला करते हैं मुंह में पानी रखा और निकाल के फेंक दिया, उसी तरीके से मछली भी पानी अंदर लेके वहीं से उसको बाहर निकाल देती है गिल्स से। अब आप कहेंगे क्या उसके माउथ में और गिल्स में अंदर से कोई छेद होता है? हाँ छेद होते हैं, बहुत सारे डक्ट होते हैं जिसके थ्रू गिल्स से पानी बाहर निकाल देती है वहां से वो है। अब ये क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन इसको मिल गई, अब ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी, जहां जहां आपको रेड दिख रहा है वहां वहां पर ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। और फिर अब क्या होगा, देखो ये ब्लड ब्लड ने सब मतलब बांट दी, ऑक्सीजन पूरी ट्रांसपोर्ट कर दी, अब ये कार्बन डाई को कलेक्ट करके लेके आ रहा है अपने साथ में, और ये जो वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी कर रही है, और सारा डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड वो लेकर इसी हार्ट में पहुंचते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? तो खास बात यहां पर क्या है, खास बात यहां पर ये है कि ये हार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो कराएगा, यानी इस हार्ट में कभी भी ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं आता। आप देख लीजिए, यहां से गया गिल्स में गया, उसके बाद वो वापस आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर देखो हार्ट में आ गया। ये सिंगल सर्कुलेशन है, अब थर्ड पॉइंट में पढ़ा रहा हूं आपको, इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं कि ब्लड एक ही सर्कुलेशन में ऐसे घूमता रहेगा ऐसे सिंगल सर्कुलेशन में। और ये वेनस हार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज आता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है वो मैंने बता दिया, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट है, मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 2 चैम्बर्ड हार्ट की प्रॉपर्टीज है, और ये मैं आपको आगे भी इसमें दूसरे वाले में समझाऊंगा। चलिए ओके, तो सेकंड जो हम बात करेंगे उसे बोलेंगे हम लोग एम्फीबियंस का सर्कुलेशन। सेकंड जो होगा एम्फीबियंस सर्कुलेशन करेंगे, और वो कैसे करेंगे सर्कुलेशन हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एम्फीबियंस की बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो कैसे होगा वो देखिए। यहाँ पे यहाँ पहली बार डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा, और अब आगे हमेशा पाया जाएगा, सभी में होगा।
एम्फीबियंस के पास में थ्री चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है, थ्री चैम्बर्ड, इनके पास थ्री एंड हाफ चैम्बर वाला हार्ट होता है, और इनके पास फोर चैम्बर्ड होता है। ये रेप्टाइल में केवल क्रोकोडाइल है ऐसा जिसका माना जाता है कि फोर चैम्बर्ड हार्ट है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली फोर चैम्बर्ड हार्ट, इट इज जस्ट अ बिलीव दैट। हाँ, अब इसमें क्या है यहाँ पे कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें आप एक बार देखिए, दो ऑरिकल दिख रहे हैं, ए दो लिखे हुए हैं, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, और नीचे वेंट्रिकल एक लिखा हुआ है, यानी टोटल मिला के तीन चैम्बर दिख रहे हैं। अब इसमें होता क्या है चलिए वो देखते हैं। इसके अंदर जब हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो होने वाला होता है तो कैसे होता है देखेंगे हम लोग, ध्यान से समझेंगे। यहां से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आने वाला है, ये ब्लड आया डी ऑक्सीजनेटेड, यहां आ गया, और इस साइड से जो ब्लड आएगा वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहां से। मैं दोनों ए की बात कर रहा हूं, ए की तरफ ध्यान देना है आपको, ए की तरफ, दोनों ए की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, इसमें आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि इस जगह पे आके ब्लड मिक्स हो जा रहा है, यहाँ पे दोनों टाइप का ब्लड मिक्स हो रहा है, और जब ब्लड बॉडी में फ्लो होगा, सपोज ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से ऐसे जाएगा बॉडी में, ये ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा कि पार्शियली उसके साथ में कार्बन डाई भी अंदर आ जाएगी, और अगर वो यहां से यहां जाएगा तो पार्शियली ऑक्सीजन भी यहां से यहां इंटर कर जाएगी, यानी मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहां पर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों चैम्बर का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आके मिक्स हो रहा है। ये कुछ वाई के आकार का आप स्ट्रक्चर मान सकते हैं, भाई इधर से कुछ आया और इधर से कुछ आया, सर्कुलेशन हो रहा है वो डबल सर्कुलेशन तो है, और यहां पर जो है ये भी आप कह सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन तो है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाई के बीच में मिक्सिंग जरूर हो रही है। और वहां हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे, जैसे हमने वेनस हार्ट पढ़ा था, ये वेनस हार्ट नहीं है, नॉर्मल हार्ट है। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि जो ये वाला जो वो वाला हार्ट है उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, उसमें टू चैम्बर हार्ट थे, इसमें थ्री चैम्बर हार्ट है। बस इतनी सी बात है, मतलब केवल जो है इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम हो रही है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाई आपस में मिक्स हो रही है, ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद अब हम आगे की बात करेंगे, आगे क्या आने वाला है चलिए देखते हैं। सर ओके, तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट के लिए जो है रेप्टाइल का हार्ट। रेप्टाइल्स के पास जो है आप देखते हैं यहाँ पर आपको थ्री चैम्बर हार्ट तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है, ब्लैक कलर की लाइन बीच में दिख रही है, यहाँ पे जो एक लाइन दिख रही है, और इस लाइन के साथ साथ आपको ये भी दिख रहा है वेंट्रिकल भी दो लिखे हुए हैं, एक वी लिखा हुआ है और एक ये वी लिखा हुआ है, क्योंकि ये लाइन जो है इस हार्ट को डिवाइड कर रही है, वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रही है, समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी है यहाँ पे, यहाँ पर जो है लाइन पूरी ऊपर तक नहीं है, आप यहाँ पर देखिए ये लाइन जहां पे मैं येलो डॉट बना रहा हूं, इतनी जगह पर ये लाइन खुली हुई है, ओपन है, तो यहाँ पर पार्शियली बहुत कम, मतलब ऐसा मान लो 10% या उससे भी कम ब्लड आपस में मिक्स होता है, लेकिन उतना नहीं होगा जितना थ्री चैम्बर्ड हार्ट में होगा। इसको हम थ्री एंड हाफ चैम्बर्ड हार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ऑरिकल्स पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं है बीच में। अगर आप इसका बगल में जो डायग्राम बना हुआ है, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप इसको देखकर ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटली लाइन जो है आपको ब्लैक कलर की पूरी ऊपर तक जाते हुए दिखाई दे रही है। इट इज कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ हार्ट इन फोर चैम्बर। तो ये है डबल सर्कुलेशन, तो खैर हमारा एम्फीबियन से ही स्टार्ट हो गया है, डबल सर्कुलेशन सब में है,
उसके बाद एम्फीबियन और रेप्टाइल में थ्री चैम्बर, एम्फीबियन में, रेप्टाइल में थ्री एंड हाफ चैम्बर, और हमारे में और बर्ड्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट को लेकर। ओके, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा था उसमें क्या चीज थी मैं वो आपको दिखाता हूं। देखिए ये जनरली बॉडी में एनर्जी पर्पस के लिए होता है, ज्यादा एनर्जी जनरेट जो एनिमल्स करते हैं उनकी बॉडी में फोर चैम्बर्ड हार्ट मतलब चाहिए होता है। मतलब मैं ये आपको पहले ही पढ़ा देता हूं कि इस टॉपिक को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आपको ये बात पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी में दी गई है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है बहुत आराम से समझिएगा। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि वाई द डबल सर्कुलेशन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको ये लिख के आना है, बस इतना ही लिख के आना है। उसके बाद अगर कोई और भी पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स का आ जाए कि ऐसा क्यों, मिक्सिंग को क्यों रोकना है, तो उसकी वजह है कि अगर हम जैसे सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, यानी कि जो ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है अच्छे से जाए, कम ना जाए ऑक्सीजन। क्यों क्यों ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए? क्योंकि दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। यानी जितने वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहना चाहिए, वो इसी वजह से हम ऑक्सीजन ज्यादा भेजते हैं। और ज्यादा ऑक्सीजन भेजने से क्या होगी आप जानते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगी अच्छे से, और हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती रहेगी। अब आप ये मत सोचने लगना कि लैक्टिक एसिड वाले केस में क्या होगा, भाई वो तो एथलीट्स के साथ होता है, जब इंटेंस एक्सरसाइज कराते हैं तो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है वापस जाके उसमें ग्लूकोज में ही, वो अलग बात है। लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, नॉर्मली हमें ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा ग्लूकोज को बर्न कर पाएंगे रेस्पिरेशन के लिए, और ताकि हमको ज्यादा एनर्जी मिल सके। इतना तक आपको लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहां तक लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो यहां तक, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, इन एनिमल्स डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस। जो एनिमल ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जैसे हमने अभी पढ़े फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, इनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सच एनिमल लाइक एम्फीबियन और मेनी रेप्टाइल हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट, टॉलरेट मतलब वो बर्दाश्त करते हैं सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। मतलब ये बात मैंने अभी आपको समझाई कि उन दोनों में ब्लड मिक्स होगा और इससे उनको ऑक्सीजन कम मिल पाएगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखो एक बात कहने वाली ये है कि उनकी बॉडी भी तो उसी प्रकार की है कि उन्हें नहीं चाहिए उतनी ऑक्सीजन, उनको उतनी हीट जनरेट ही नहीं करनी है। फिश ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 chambered द हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी ये फिश की बात कर रहा है। दस ब्लड ग्लो गोज ओनली 1 through द हार्ट इन दिस इन द फिश ड्यूरिंग 1 cycle ऑफ द पास थ्रू द बॉडी। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, 1 cycle मतलब सिंगल सर्कुलेशन, एक ही सर्कुलेशन में ब्लड घूमता रहेगा, और ये बात आपको यहां समझ में आ गई। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, यानी दूसरे और हार्ट में ब्लड हार्ट में 2 बार जाएगा। इट गो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ इन अदर वर्टिब्रेट्स, इट इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। अगर कोई आपसे कहे डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो आप ये लिख के आना कि ब्लड 2 बार बॉडी में सर्कुलेट होता है। उसकी वजह कोई पूछे क्यों डबल सर्कुलेशन जरूरी है, तो आप ऊपर वाला लिख के आना, ये वाला पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको समझाया, मिक्सिंग को रोकता है। तो डबल सर्कुलेशन का आंसर नीचे से यहां से स्टार्ट होगा, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, या आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं,
when blood go twice in the heart and complete two cycle, it is known as double circulation. और उसके बाद अगर कोई इसका फायदा पूछे तो आप वो भी लिख सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने ये आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं।